गाइज, निसान अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट इंडिया के अंदर जल्दी ही लॉन्च करने वाली है और वो भी काफ़ी इफेक्टिव प्राइस में, स्टार्टिंग फ्रॉम 5.5 लाख रुपीज एक शोरूम। यानी कि बेसिकली निसान आपको प्रीमियम हैचबैक की प्राइस में कॉम्पैक्ट एसयूवी दे रही है, यानी कि जो निसान है वो रेनॉल्ट की राह पर चल रही है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके हर एक वेरियंट की डिटेल की और जानेंगे कि कौन सा वेरियंट बेसिकली सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड फीचर लोडेड है। गाइज, अगर आपको इसके सारे वेरिएंट की प्राइसिंग जानना है तो वो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको लिंक यहां पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में देखने को मिल जाएगी। और तो और मैं इस वीक में जल्दी ही इसके लॉन्च डेट के बारे में भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा पर जल्दी ही आपको इसकी लॉन्च डेट के बारे में पता पड़ेगा। पर आज की वीडियो में तो फिलहाल इसके अपन इसके सारे वेरियंट और उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट नो अबाउट द ऑल डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ निसान मैग्नाइट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ना गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाए बिना। इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं आपको इसके वेरिएंट्स और उनके डिटेल स्पेसिफिकेशंस तो बताऊंगा ही सही, पर अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी प्राइसिंग भी रिवील करूंगा, प्राइसिंग भी बताऊंगा, ताकि तभी आपको पता पड़ पाएगा कि आखिर कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड फीचर लोडेड है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस वेरियंट की, जो है बेसिकली 1.0 XE पेट्रोल। 1.0 जताता है इसके इंजन कॉन्फिग्रेशन और XE एक बेस मॉडल को। वेल, चूंकि एक ये बेस मॉडल है तो इसमें आपको फीचर्स भी बेसिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो रूफ रेल्स। वेल, रूफ रेल होने से कॉम्पैक्ट एसयूवी बेसिकली कॉम्पैक्ट एसयूवी लगती हैं, क्योंकि कई एसयूवीज रूफ रेल हटा देती हैं जिनकी वजह से जो उनका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। सो बेसिकली जी हाँ, यहाँ पे आपको रूफ रेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको 16 इंचेस के स्टील रिम्स देखने को मिल जाएंगे विथ नो व्हील कवर। तो यहाँ पे व्हील्स तो दे रखे हैं पर व्हील कैप या फिर व्हील कवर देखने को नहीं मिलते हैं। देन अगर बात करें इंटीरियर की, तो यहां पे आपको मैनुअल एयर कंडीशनर देखने को मिल जाएगा, और अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिल जाता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल होने से काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती है अगर आपको कोई भी डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन देखने होते हैं, और ये कार के इंटीरियर को थोड़ा सा स्पोर्टियर भी बनाता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको 4 पावर विंडोज देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, पीछे की तरफ भी आपको पावर विंडोज ही देखने को मिलेंगी फ्रंट और रियर दोनों में। ये तो बात थी इसके बेस मॉडल की, अब जान लेते हैं जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट है, दैट इज 1.0 XL पेट्रोल, उसमें क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। वेल, जो फीचर्स XE में दे रखे हैं वो तो XV में होंगे ही होंगे, पर थोड़े से एड ऑन करे हैं यहाँ पे फीचर्स। पर कौन से XL में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे वो बात कर लेते हैं। यहां पे आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील तो मिलेंगे सही, पर विद व्हील कैप, और जो व्हील कवर होगा वो भी डुअल टोन कलर में होगा, सिल्वर प्लस ब्लैक कलर का। जो इसका व्हील कवर डिजाइन किया गया है वो काफी ज्यादा स्पोर्टियर और एलिगेंट लुक देता है इस कार के एसयूवी को बेसिकली। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बात करें इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे दे रखा है 2 DIN इंटीग्रेटेड ऑडियो सिस्टम, तो जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑडियो सिस्टम का ऑप्शन चाहिए तो XL वेरिएंट से आपको 2 DIN इंटीग्रेटेड ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऑक्स मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑडियो एंड टेलीफोनिक कंट्रोल्स ऑन द स्टेयरिंग व्हील। जी हाँ, यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटोमेटिक AC और हीटर भी देखने को मिल जाता है। सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको 2 DIN इंटीग्रेटेड ऑडियो सिस्टम तो सारी कंपनियाँ देती हैं, पर यहाँ पे आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, उसके साथ साथ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC और हीटर देखने को मिल रहा है, जो मेरे ख्याल से बेस्ट इन सेगमेंट है इसके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। XL में खैर अच्छा वेरियंट है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर की वेरियंट की, इट इज़ 1.0 XV पेट्रोल, जो बेसिकली इसका थर्ड वेरियंट है या फिर सेकेंड लास्ट टॉप एंड है।
XV इसका काफी ज्यादा फीचर लोडेड वेरिएंट है और इसमें आपको दुनिया भर के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो एड ऑन हो जाता है दैट इज द LED DRL, पर जो आपको हेडलैम्प देखने को मिलेंगे वो हेलोजन्स के ही होंगे। देन आपको ORVMs में टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये थोड़ी सी बात खटकती है, यहाँ पे अगर आपको ORVM में टर्न इंडिकेटर चाहिए तो वो आपको थर्ड वेरिएंट से देखने को मिलेगा फ्रॉम द XV वेरिएंट। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो बेसिकली काफी ज्यादा फीचर लोडेड और गाड़ी को काफी ज्यादा कूल लुक दे देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द डायमंड कट व्हील्स, यहाँ पे आपको सीट बैक पॉकेट देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो पीछे की तरफ आपको एनवेलप्स वगैरह रखने के लिए सीट में स्पेस देखने को मिल जाती है पीछे की तरफ। देन सबसे खास बात, यहाँ पे आपको फ्लोटिंग 8 इंच टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। 8 इंच का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं दे रखा है, पर जो स्टैंडर्ड सभी गाड़ियों में आता है वही आपको साइज मिलेगा, जिसमें फीचर्स रहेंगे जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। देन उसके बावजूद यहाँ पे सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है मल्टी फंक्शन 7 इंच TFT एडवांस ड्राइवर असिस्ट डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन 7 इंच TFT एडवांस ड्राइव असिस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस कारों में ही देखने को मिलता है। पर फुल्ली डिजिटल TFT डिस्प्ले होने से फ़ायदा ये मिलता है कि ड्राइविंग डायनेमिक्स ड्राइवर के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और एक्यूरेट हो जाते हैं। देन यहाँ पे आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप देखने को मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका XV वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है। खैर, मैं आपको अभी इसकी प्राइसिंग बताऊंगा धीरे धीरे करते करते, क्योंकि यार यहाँ पे टर्बो और टर्बो CVT का ऑप्शन जुड़ जाता है, तो आप फीचर्स एक बार जान लीजिए, क्योंकि चाहे टर्बो हो टर्बो CVT हो वेरिएंट सेम है, तो बेसिकली आपको फीचर्स सभी में सेम ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो टर्बो हो CVT हो या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड हो। अब बात करते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की, जो है XV प्रीमियम। वेल गाइस, XV प्रीमियम इसका सबसे ज्यादा फीचर लोडेड वेरिएंट है, ये मुझे कहने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो टॉप एंड वेरिएंट है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर XV प्रीमियम ऐसा क्या ऑफर कर रही है जो कि XV नहीं करती है। लोग इसको XV ऑप्शनल भी कह देते हैं, XV प्लस भी कह देते हैं, पर बेसिकली इसका नाम है XV प्रीमियम। हाँ, XV प्रीमियम में आपको सबसे अच्छा जो फीचर्स मिलेगा वो मिलेगा LED बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। जी हाँ, आपको LED बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। गाइस, निसान मैग्नाइट यहाँ पे ऑटो एक्सपो में शो की गई थी, पर उसमें जो हेडलैम्प्स आते थे वो प्योर LED थे, जो कि आपको किया सेल्टोस में देखने को मिलते हैं। पर अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर्स तो मिलेंगे, पर जो प्योर LED हेडलैम्प्स का ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको इस कॉम्पैक्ट SUV में देखने को नहीं मिलेगा। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प से थम्स अप फॉर दी मैग्नाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको सेबर स्टाइल LED टर्न इंडिकेटर्स इन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। वही है, LED टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे और LED हेडलैम्प्स भी देखने को मिलेंगे। फॉग लैम्प दोनों फ्रंट में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। देन यहाँ पे आपको प्रीमियम इम्बोस्ड ब्लैक फैब्रिक एंड सिंथेटिक लेदर एसेंट ऑन द सीट्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको बेसिकली सिंपल भाषा में समझाऊं, ब्लैक लेदर सीट्स आपको चाहिए तो वो ऑप्शन आपको टॉप एंड XV प्रीमियम में देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, अराउंड व्यू मॉनिटर और क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पे टॉप एंड में मिल जाता है। अराउंड व्यू मॉनिटर यानी कि आप जब भी बैक गियर लगाते हो तो वहां पे आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स में हेल्प करता है रिवर्स को लेने में। क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बेसिकली कॉम्पैक्ट SUV में होना चाहिए चाहिए, और वो ऑप्शन आपको XV प्रीमियम में देखने को मिल जाएगा। यहां पे ऑप्शनल टेक पैक भी आता है गाइस, पर यहां वो कौन कौन से फीचर्स करता है, वेल मैं एक बात बता दूं कि आपको जो XV टेक फीचर है वो जरूर जरूर देखने को मिलेगा, यानी कि केवल टेक फीचर आपने देखा ही होगा, जो टाटा एल्ट्रोस थी उसमें आपको रिदम पैक देखने को और स्टाइलस पैक देखने को मिलता था, वैसे ही निसान ने यहाँ पे टाटा एल्ट्रोस की राह पर चलते हुए टेक पैक निकाला है। पर ये जो टेक पैक है वो केवल आपको XV में ही देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको XV प्रीमियम नहीं लेना है और उसमें कुछ फीचर्स एड ऑन करवाने हैं तो वो XV टेक में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली कि XV टेक में आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं XV के कंपैरिजन में। वेल, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाएगा, देन एयर प्यूरिफायर, लास्टली JBL स्पीकर, LED स्कफ प्लेट, एम्बिएंट मूड लाइटनिंग एंड पेडल लैंप्स, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे XV टेक में देखने को मिल जाएंगे बेसिकली, जो मिसिंग है XV के अंदर।
वेल एक्सवी टेक जो प्राइसिंग होगी वो 40 से 50 हज़ार ज़्यादा महंगी होगी एक्सवी के कंपैरिजन में, पर मेरे ख्याल से वर्थ है। अगर आपको पूरी तरीके से एक कंप्लीट एसयूवी चाहिए तो एक्सवी टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वेरिएंट हो सकता है। गाइज ये तो बात हो गई फीचर्स की, अब लगे हाथ बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। गाइज प्राइसिंग के बारे में मैं आपको क्विकली बता दूंगा क्योंकि मैंने इसके डिटेल के बारे में पिछले वीडियो में बात करी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। देन सबसे बेस वेरिएंट यहाँ पे आता है 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको वही चार वेरिएंट्स मिलेंगे। इसमें XE की प्राइस है 5,50,000, XL की प्राइस है 6,25,000, XV की प्राइसिंग है 6,75,000 एंड लास्ट इसका टॉप मॉडल XV प्रीमियम की प्राइसिंग है 7,65,000। अब बात कर लेते हैं टर्बो वेरिएंट की। वेल टर्बो में आपको वही सारे वेरिएंट्स मिलेंगे, तो फीचर्स केवल एक एड ऑन ये होता है टर्बो में कि आपको 1.0 टर्बो इंजन मिल जाएगा रादर देन नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो अगर आप टर्बो XE लेते हो तो वो आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि टर्बो ऑप्शन XL से मिलता है बेसिकली। ये सबसे ज़्यादा बढ़िया पॉइंट है। खैर XE में दे नहीं रखा है क्योंकि अधिकतर बेस वेरिएंट्स में टर्बो देते ही नहीं है। तो अगर आप टर्बो XL लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग है 7,25,000, अगर आप टर्बो XV लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग है 7,75,000 और टॉप एंड वेरिएंट इसका टर्बो XV प्रीमियम की प्राइसिंग है 8,65,000। बेसिकली यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलेगा करीब करीब 1,00,000 का अंतर अगर आप नेचुरली एस्पिरेट से टर्बो में जाएंगे तो। अब टर्बो के बाद आते हैं CVT ऑप्शन, और अगर आपको CVT लेना है तो आपको टर्बो में ही जाना पड़ेगा, यानी कि टर्बो CVT ही अवेलेबल है। सारे वेरिएंट सेम रहेंगे और वो जो अवेलेबल होगा वो XL वेरिएंट से ही होगा। तो अगर आप टर्बो XL CVT लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग है 8,15,000, टर्बो पेट्रोल XV CVT की प्राइसिंग है 8,65,000 और इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है दैट इज टर्बो पेट्रोल XV प्रीमियम CVT जिसकी प्राइसिंग है 9,55,000। तो बेसिकली आपको CVT के लिए 40 से 50,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द टर्बो। बेसिकली वेरिएंट सारे ही सेम हैं। अगर मैं बात करूँ इसके सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो XV और XV Tech मुझे इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा। अब इट डिपेंड अपॉन यू कि आपको टर्बो चाहिए या फिर टर्बो CVT चाहिए, क्योंकि कंपनी ने तो सारे ऑप्शन सेम ही रखे हैं, उसमें टर्बो ऐड कर दिया है और टर्बो CVT एड ऑन कर दिया है। वेल जो 40,000 ज़्यादा प्राइसिंग है वो टर्बो के कंपेरिजन में। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द निसान मैग्नाइट वेरियंट्स एंड डिटेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।